In this video, we will discuss Tobin's view on Flips Curve. This is part 7 of the 10 videos on Flips Curve. First video is related with introduction, second part is related with inflation unemployment trade off, part 3, 4, and 5 related with long run Flips Curve and Friedman's theory of natural rate of unemployment part 6 is for the policy implications of flips curve this is part 7 tobin's view part 8 is related with solo's view on flips curve part 9 is related with rational expectations and flips curve and finally part 10 is related with the conclusion of the flips curve this is part 7 here we will discuss tobin's view on flips curve James Tobin was an American economist who taught at Harvard and Yale Universities. He advocated the ideas of Keynesian economics and government intervention to stabilize output and avoid recessions. James Tobin, Article Inflation and Unemployment, 1972 1972, an in one article, Inflation and Unemployment, उसमें दी है अपनी फ्लिप्स कर्ब या फ्लिप्स कर्व के बारे में अपना विचार टॉबिन्स फ्लिप्स टॉबिन्स फ्लिप्स टॉबिस्लिप्सकर्व मीन्स जो फ्लिप्स कर्व के बारे में टॉबिन का विचार है इट इज़ अ अंक शेप एक किंक तरह की है जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है किंक का मतलब होता है जब कोई कर् अपनी इलास्टिसिटी चेंज करती है स्लोप चेंज करती है एक मोड आता है कर्ब में जैसे ये वर्टिकल है फिर ये ऐसे है अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो ये नेगेटिव स्लोप है फिर वर्टिकल है तो ये किंक है कहाँ पर है ये किंक यू सी यू सी यू सी इज द क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट विच फ्लिप्स करो बिकम्स वर्टिकल ये यू सी है इसको कहते कहा है टॉबिन ने क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर देर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन तो टॉबिन तो के अकॉर्डिंग एक क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर आने पर कोई ट्रेड ऑफ़ नहीं है बट इसके राइट ये पोर्शन शो करता है कि ट्रेड ऑफ है वही ये पोर्शन वैसा ही है जैसे फिलिप्स करो बनी हुई है नॉर्मल बट यहाँ पर आके कोई ट्रेड ऑफ़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर आके ये वर्टिकल हो गया अकॉर्डिंग टू टॉबिन द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द करब इज़ नॉट ड्यू टू इनक्रीज इन द डिमांड फॉर मोर वेजेस बट एमर्ज फ्रॉम इम परफेक्शन ऑफ द लेबर मार्केट तो यहाँ पर आने का क्या मतलब है जैसे फ्रीडमैन ने कहा था नैचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टॉबिन ने इसको नाम दिया है क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही रहेगा जैसे हमने लॉन्ग रन फ्लिप्सक्रम में देखा फ्रीडमैन की थ्यूरी में कि इसको अगर हम कम करने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उल्टा इन्फ्लेशन हो जाएगी तो ये इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ही रहेगी टॉबिन के अकॉर्डिंग ये क्यों रहेगी बिकॉज ऑफ़ द लेबर मार्केट इम्परफेक्शन्स लेबर मार्केट इम्परफेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि लेबर मार्केट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जितनी लेबर की सप्लाई है उस सारे की डिमांड नहीं बन पा रही एट द यू सी लेवल दिस लेवल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अब क्यों पॉसिबल नहीं है इसको इधर लेकर जाना अनएम्प्लॉमेंट को कम करना या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना क्यों पॉसिबल नहीं है बिकॉज द जॉब सीकरस है्स या तो ये हो सकता है कि जो जॉब लेने वाले हैं उनके पास वो स्किल नहीं है जो स्किल मार्केट में चाहिए या फिर उनकी एज ग्रुप वो नहीं है जो मार्किट में चाहिए या फिर उनका सेक्स वो नहीं है जेंडर मेल फीमेल जो मार्केट में चाहिए या फिर वो उस प्लेस पर नहीं है जहाँ पर डिमांड लेबर की है तो कोई भी कारण हो सकते हैं इनको हम कहते हैं कि लेबर मार्केट परफेक्ट नहीं है परफेक्ट मींस जो स्किल चाहिए लेबर के पास वो स्किल नहीं है जो ऐज चाहिए लेबर उस एज ग्रुप का नहीं है जो सेक्स चाहिए लेबर उस कैटेगरी का नहीं है और जिस जगह पर लेबर चाहिए लेबर उस जगह पर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि लेबर मार्केट इम्परफेक्ट है तो इन इम्परफेक्शन की वजह से ये पॉइंट बना क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो रहेगा ही रहेगा रिगार्डिंग द नॉर्मल पोर्शन ऑफ फ्लिप्स करब ये वाला पोर्शन विच इज नेगेटिवली स्लोप्ड, वेजेस आर स्टिकी डाउनवर्ड बट बिकॉज लेबर डिक्लाइन इन द इन देयर रिलेटिव तो इस पोर्शन पे भी उन्होंने क्या कहा है वही कि जैसे हमने सेकंड वीडियो में बताया फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वाले में कि ये नॉन लिनियर कर्व क्यों बनता है क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट है जो वे जिसकी वो क्विक है रैपिड है बट जो डाउन साइड मूवमेंट है वो थोड़ी स्टिकी है इस वजह से ये ऐसे पोर्शन बनता है जै वही कारण है जो फिलिप्स ने बताया था दिस वॉज द टॉबिन्स व्यू ऑन flips curve for the complete explanation of flips curve must watch all the 10 parts of the videos thank you thanks for watching this video